हमारा दिमाग हमेशा विचारों में उलझा रहता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। हम एक साथ इतने सारे काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन बस हमारे दिमाग में फीड होता रहता है, हम उसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम इमोशनली वीक होते चले जाते हैं। बट हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है और प्रैक्टिस करना है कि हम माइंडफुल बने। और माइंडफुलनेस के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि हम रोज मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन करने के लिए कुछ भी आप ले सकते हैं, यूट्यूब में गाइडेड मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब खाना खाएं तो हम पूरे ध्यानपूर्वक खाना खाएं, और जब सांस ले रहे हैं तो सांस लेते समय भी हम पूरी तरह से फोकस होकर सांस लें, अवेयरनेस के साथ सांस लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ का की प्रैक्टिस हमेशा करनी है और ध्यान रखना है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हमारा पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, फूलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम अवेयर रहें अपने सांसों के प्रति, तो हम पूरी तरह से माइंडफुलनेस के साथ सांस भी लेंगे और स्ट्रांग भी बनेंगे इमोशनली। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सिर्फ खाना खाएं, खाना खाते समय कुछ और काम ना करें, खाने की स्मेल लें, खाने को ध्यान से देखें, फिर उसको एक एक बाइट स्वाद के साथ खाना खाएं, तो वो खाना खाते समय वो एक माइंडफुलनेस के साथ खाना होगा। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिसकी वजह से हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे और हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, जो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाग दौड़ की इस दुनिया में काम बहुत है लेकिन समय कम है। लोग बस इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, रुकते नहीं हैं, पॉज नहीं लेते हैं, जो पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए माइंडफुलनेस की बात की जाती है, मेडिटेशन की बात की जाती है, अवेयरनेस की बात की जाती है। मेरा ये वीडियो यही नहीं, मेरे जितने भी वीडियो हैं सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर है, ताकि जितने भी लोग हैं जो आज परेशान हैं वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें और पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर पाएं। तो आप ज़रूर अपनाइए और प्रसन्न रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। धन्यवाद।